स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रीवियस नीट क्वेश्चन है तो इसकी करते हैं, आपके पास तीन आइसोटोप गिवन है एक्स टू हंड्रेड एक्स वन एक्स टू हंड्रेड एंड टू ठीक है तो एक्स टू हंड्रेड जो है उसकी नाइनटी परसेंट कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है और एक्स वन नाइन की 8.0% है और X202 की 2.0% कंपोजिशन है X इज क्लोजेस्ट टू एवरेज एटॉमिक मास जो है इस एलिमेंट X का फाइंड आउट करना है राइट तो ऑप्शन देखने से पहले हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला अपना आंसर बनाएंगे राइट सो एवरेज एटॉमिक मास एलिमेंट एक्स इक्वल टू नाउ वी आर हैविंग थ्री आइसोटोप्स राइट सो ऑब्वियसली आप यहां पर लिखोगे अटोमिक मास ऑफ एक्स टू हंड्रेड इंटू इट्स कॉम्पोजिशन ठीक है जो भी इसकी अबंडस या कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है वो आप मेंशन करोगे प्लस अटोमिक मास ऑफ एक्स वन नाइनटी नाइन इंटू इट्स कंपोजिशन प्लस अटोमिक मास ऑफ एक्स टू हंड्रेड एंड टू इंटू इट्स और ये सारी की सारी वैल्यू जो है इसे आप हंड्रेड के साथ डिवाइड कर दोगे वैल्यूज so, पुट करते हैं सो अटोमिक मास ऑफ x 200 हंड्रेड अटोमिक मास अब ये जो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट वैल्यू होती है ठीक है ये अटोमिक गिवन है सो ऑब्वियसली फर्स्ट केस में फर्स्ट आइसोटो का अटोमिक मास कितना आएगा

ए एम यू और इसकी कंपोजिशन टू परसेंट है सो टू पॉइंट जीरो आप यहां पे मेंशन कर दोगे डिवाइडेड बाई ये हंड्रेड बन जाएगा टू हंड्रेड इन टू नाइनटी एटीन थाउजेंड आ जाएगा राइट वन नाइनटी नाइन इंटू एट ये फिफ्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू आ गया राइट एंड टू हंड्रेड एंड टू इंटू टू फोर हंड्रेड एंड फोर हो गया राइट So, अब राइट सो एटीन थाउजेंड प्लस हंड्रेड नाइनटी टू प्लस फोर हंड्रेड एंड फोर आंसर इज नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी सिक्स ए एम यू डिवाइडेड बाय हंड्रेड आ गया तो so, जब आपने नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स को हंड्रेड से डिवाइड किया तो आंसर इज वन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन सिक्स जो कि अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड ए एम यू के इक्वल आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन